हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ फ्रॉम द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज़ प्रेसी राइटिंग. सो इन फर्स्ट वन स्लाइड वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेसी राइटिंग एंड ऑफ कोर्स द डेफिनेशन. व्हाट डज इट मीन? द टर्म प्रेसी इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच मीन्स प्रेसी और एक्सप्रेस्ड एक्यूरेटली. सो इट इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच एक्चुअली मीन्स एक्सप्रेस्ड एक्यूरेटली. जब आप एक लॉन्ग पैसेज पढ़ते हैं उसमें काफ़ी मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं. प्रेसी में ये होता है कि उसमें सिर्फ मीनिंगफुल की वर्ड्स एक्सप्रेस्ड हुए होते हैं. इन द नेक्स्ट वन पॉइंट, इट ऑल्सो मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट और अ गिस्ट ऑफ अ लॉन्गर पैसेज. सो इट इज़ एक्चुअली द गिस्ट और द एब्स्ट्रैक्ट, द एक्चुअल समरी ऑफ द लॉन्गर पैसेज. इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं. द प्रेसी इज अ क्लियर, कॉम्पैक्ट एंड लॉजिकल समरी ऑफ द पैसेज. एक्चुअली जो पैसेज होता है उसकी क्लियर, कॉम्पैक्ट, बहुत छोटी सी और लॉजिकल समरी होती है ताकि लोगों को उसका मीनिंग भी समझ में आ जाए और उनको लॉन्गर पैसेज ना पढ़ना पड़े. सेकेंड वन पॉइंट इज, इट इज़ अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. ओरिजिनल टेक्स्ट जो रीड कर रहा होता है या जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, जैसे बुक हो गया, टेक्स्ट हो गया, कोई पैसेज हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, उसका शॉर्टर वर्जन होता है. मीनिंग उसका वही होता है बट वो उस एक्चुअल जो पैसेज होता है उसका शॉर्ट वर्जन होता है. इन द नेक्स्ट वन पॉइंट, इट कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, अवॉइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स. जो मीनिंगलेस अननेसेसरी डिटेल्स होते हैं प्रेसी राइटिंग में, उसको अवॉइड करते हैं. इट इज़ यूजुअली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट. ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट का होता है 1/3 एक्चुअली, जो बुक है या कोई पैसेज है या कोई टेक्स्ट है या कोई पैराग्राफ्स हैं, उनका 1/3 होता है एक्चुअली उसका जो प्रेसी होता है. इट इज़ अ पीस ऑफ कॉन्टीन्यूअस राइटिंग. सो इट इज़ एक्चुअली द पीस ऑफ द कॉन्टीन्यूअस राइटिंग बट इट इज़ द शॉर्टर वर्जन. फॉर राइटिंग प्रेसीज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिनल पैसेज इज़ नेसेसरी. प्रेसी को राइट करने के लिए आपको ओरिजिनल पैसेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, यू कॉन्ट राइट द प्रेसी. डोंट इंक्लूड एनी कॉमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस और एलेबोरेशन. प्रेसी क्योंकि शॉर्टर वर्जन होता है, उसमें आप अपने कॉमेंट्स या कोई किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन या ज़्यादा उसको एलेबोरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसका शॉर्ट वर्जन होता है. डोंट जस्ट रिपीट डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल पैसेज से डिफरेंट वर्ड्स को आपने प्रेसी में रिपीट नहीं करना होता. डोंट मेक अ पैराफ्रेज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. ओरिजिनल पैसेज से जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं उनको आप निकाल देते हैं, उसमें सिर्फ आप मीनिंगफुल वर्ड्स ऐड करते हैं, तो वो ओरिजिनल पैसेज का एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा आप उसको अपने वर्ड्स में राइट कर सकते हैं बट मीनिंग उसका एग्जैक्टली ओरिजिनल पैसेज वाला होना चाहिए. सो द क्वालिटीज़ ऑफ गुड प्रेसीज देख लेते हैं. इसकी क्वालिटीज़ 3 हैं, कम्प्लीटनेस, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस. कम्प्लीटनेस क्या होती है? अ प्रेसी should cover the essential content of the given passage. It should not omit any important fact or idea. कोई important fact or idea आपने original passage में से remove नहीं करना है. उसमें से सिर्फ आपने essential और important meaningful words उठाने हैं. Second one is clarity. Clarity means getting your message so that reader can understand easily what the writer is trying to convey. A precis should express the meaning of the original passage clearly. It must be free from ambiguities and redundancies. Okay, so एम्बिग्विटी से या किसी चीज, किसी को कोई किसी किस्म की कोई माइंड में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. जो एक्चुअली पैसेज का, जो ओरिजिनल पैसेज का मीनिंग है, वही आपने प्रेसी में उसके समरे में राइट करना होता है ताकि लोगों को उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाए और उनको इतने बड़े बड़े पैसेजेस और उनको इतने बड़े बड़े बुक्स और बड़े बड़े टेक्स्ट ना पढ़ने पड़े. जो एक्चुअली मीनिंग होता है वो आप एक्चुअल मीनिंग आप प्रेसी में एक्सप्रेस करते हो बट इन द shorter form. Okay, so let's move to the next one slide, conciseness. The third one is conciseness. Conciseness means brief and direct. ब्रीफ लिखना है एंड डायरेक्ट. एग्जैक्टली इट मस्ट रेफर टू द ओरिजिनल पैसेज बट इन द शॉर्टर और इन द ब्रीफ वे. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज, अ प्रेसी मस्ट बी एसेंशियली ब्रीफ एंड प्रिसाइस. प्रिसाइस होना चाहिए एक्चुअली उसका जो मीनिंग
पैसेज में है वही मीनिंग होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए. आप जितना उसको ब्रीफ रखेंगे उतना ही आपका प्रेसी मीनिंगफुल रहता है. इट शुड बी कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट लॉजिकली. जो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो एक्चुअली ओरिजिनल पैसेज में जो मैसेज कन्वे किया होता है या जो उसका मीनिंग होता है, वही आपने इसमें एग्जैक्टली एक्सप्रेस करना है. कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली. उसमें जो आप इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे कर रही हैं या जो इन्फॉर्मेशन आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए. रूल्स फॉर प्रेसी राइटिंग, इसके लिए रूल्स कितने हैं? देर आर 15 रूल्स फॉर प्रेसी राइटिंग. फर्स्ट वन इज केयरफुल रीडिंग. सबसे पहले आपको जो ओरिजिनल पैसेज है उसको केयरफुली रीड करना पड़ता है. जब तक आपको ओरिजिनल पैसेज का मीनिंग पता नहीं होगा, तब तक आप उसका प्रेसी नहीं लिख सकते हैं. फर्स्ट रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन अंटिल यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज. द मोर यू रीड इट, द मोर फेमिलियर इट विल बिकम टू यू. We have already discussed that. The second one is outlining. While reading the original passage, think of some words, phrases, or short sentences that will sum up the main subject of the passage. Find the key sentences. इसमें आपने सिर्फ आप आउटलाइनिंग अपने माइंड में रखनी है, कुछ की पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जिसको आप आगे जाके प्रेसी में एक्सप्रेस कर सके, जो कि एक्चुअली होने ओरिजिनल पैसेज से ही चाहिए. कोई अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना. ओरिजिनल पैसेज वाला कंटेंट मीनिंग्स ऐड करने हैं, बट इन द शॉर्टर फॉर्म और इन द ब्रीफ प्रिसाइज फॉर्म. थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग. रीड द पैसेज अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज. ट्राई टू गेट द आइडिया व्हाट द राइटर ट्राइंग टू कन्वे. जो राइटर आपको उस पैसेज में, ओरिजिनल पैसेज में कन्वे करना चाह रहा है, जो उसका एक्चुअली थीम है, जो उसने उस पैसेज में, उस पोएम में या जो भी आप चीज़ है उसमें जो राइटर कन्वे करना चाह रहे हैं, जो पोइट कन्वे करना चाह रहे हैं, वही आपने उसके प्रेसी में ब्रीफली राइट करना है. द फोर्थ वन इज अंडरलाइनिंग. अंडरलाइनिंग इज मार्क द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड एसेंशियल पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. ओरिजिनल टेक्स्ट से इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ और उसके जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको आपने अंडरलाइन करना है, अपने माइंड में रखना है. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज ओमिशन. Omit all the unnecessary information or long phrases which could be replaced by one word. जितने भी long phrases हैं, जितने भी unnecessary words हैं, unnecessary information हैं, जितने भी उसमें elaboration हुई है, उसको अगर आप एक word में express कर सकते हैं तो आप वैसा ही करें, क्योंकि इसको हम ब्रीफली राइट कर रहे हैं. ऑल द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन बी ओमिटेड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड प्रेसी. गुड प्रेसी बनाने के लिए आपने उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव्स और एडवर्ब्स को ओमिट करना होता है. द सिक्स्थ वन इज लेंथ. कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ द प्रेसी बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. काउंट द वर्ड्स इफ यू फाइंड दैट इट इज़ टू लॉन्ग. सबसे पहले आपने लेंथ को अपने माइंड में रखना है कि वो पैसेज का 1/3 होना चाहिए. अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, देन काउंट द वर्ड्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. प्रेसी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच. इफ देयर इज डायरेक्ट स्पीच इन द पैसेज, इट शुड बी चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. प्रेसी हमेशा हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में राइट नहीं करते हैं. अगर कोई चीज़ उसमें डायरेक्ट स्पीच में दी हुई है तो वो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करनी होती है प्रेसी राइटिंग करने के लिए. एट्थ वन पॉइंट इज ऑन रीडिंग. अ प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ऑन वर्ड्स एंड शुड abstain from borrowing words from original passage. Original passage से कम words borrow करने हैं, ताकि आपका actually वो ये ना लगे कि आपने उसका बिल्कुल mirror image बना दिया है, या exactly उसी से आपने words उठा के अपने प्रेसी में write कर लिए. Okay? The ninth one point is avoid giving opinions. You are not supposed to give any comments, appreciative, critical on the ideas expressed in the passage. पैसेज में, ओरिजिनल पैसेज में जितने भी आइडियाज़ एक्सप्रेस हुए हैं, जो भी कहा गया है, आपने उसको, उस पर अपने ओपिनियंस नहीं देने, अपने कमेंट्स नहीं देने, क्योंकि उससे प्रेसी राइटिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, बहुत एलैबोरेट हो जाएगी. चूँकि आपने उसको ब्रीफ लिखना है, छोटा रखना है, इसीलिए आपने अपने कॉमेंट्स देने अवॉइड करने हैं. द नेक्स्ट वन इज़ पैराग्राफ फॉर्म. प्रेसी शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म. देयर मे बी
be one or more paragraphs in original passage, but your passage should be in only one paragraph. प्रेसी जो है वो एक्चुअली पैराग्राफ राइटिंग में ही होनी चाहिए, आपने पॉइंट्स या किसी और फॉर्म में राइट नहीं करनी है. अगर आपके पैसेज में टू और मोर पैराग्राफ्स हैं सो योर प्रेसी शुड बी इन वन पैराग्राफ. ओके, द लास्ट वन पॉइंट इज टेंसेस एंड पर्सन. अ प्रेसी शुड बी रिटन इन past tense, but in case of universal truth present tense should be used. Always use third person. Pressy writing करने के लिए आपने हमेशा third person के use करना होता है, और अगर कहीं पर universal truth है वहाँ पर आपने present tense use करना है. बाकी आपने पूरी pressy को past tense में ही write करना है. In the next one point, no change in meaning. While writing a pressy, don't change the meaning of pressy, but it should be written in your own words. Try to abstain from borrowing words from original passage. Actually, आपने original passage का meaning change नहीं करना pressy में. Pressy में आपने original जो theme है, जो actual meaning है original passage का, आपने रखना वही है. उसको अपने words में actually writers का जो point of view है वो आपने shorter form में present करना होता है. In the next one point, art of compression. Compress and clarify a lengthy passage, article or book, retaining important concepts, keywords and important data. Cross out unneeded description. Unneeded description आपने omit कर देनी है. Actual जो important concepts हैं, जो keywords हैं, जो important data है, जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो actually meaning को represent कर रहा है passage की, आपने सिर्फ उसको consider करना है. उसको बहुत lengthy नहीं रखना, compressed form में रखना है, ताकि आपका जो pressy है वो meaningful रहे. In the next one point is pre-reading. Pre-read the passage several times if necessary for clear understanding of ideas. Observe the emphasis or approach used by author. आपने re-reading करनी है original passage की several times, ताकि आपको उसका actual meaning समझ में आ जाए. आपको जो writer है, जो author है, उसका approach और emphasis, वो actually क्या कहना चाह रहा है, वो आपने समझना बहुत ज़रूरी है. And the 15th one point is the conclusion. The conclusion should restate the main idea of the text and reiterate the main support. Do not provide any new information. अपनी तरफ से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी है. लास्ट वन पॉइंट इज रिमेंबर टू अवॉइड एनी पर्सनल स्टेटमेंट अबाउट द पैसेज. उसके बारे में अपने ओपिनियन, अपने पर्सनल स्टेटमेंट्स ऐड नहीं करने हैं. उसमें सिर्फ उसका मेन आइडिया, जो एक्चुअल ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसका मेन आइडिया आपने पैसेज में आगे रीराइट करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड द लेसन. गुड बाय.